हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की पहली न्यूज है रियलमी की तरफ से। तो आज रियलमी ने कंफर्म किया है कि उनके अपकमिंग 5G स्मार्टफोन का नाम रियलमी V5 होने वाला है। और आज इस स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है, जहां से पता चलता है कि इस स्मार्टफोन में कोड रियर कैमरास मिलने वाले है। और ये कोड रियर कैमरास रेक्टेंगुलर शेप में होने वाले है। और इस स्मार्टफोन में सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और ये स्मार्टफोन रियलमी चाइना में सून लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों, लेनोवो ने अपना नया गेमिंग स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है लेनोवो लीजियन ड्यूअल। और ये स्मार्टफोन दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें स्नैपड्रैगन A65 प्लस का प्रोसेसर मिलता है। और लेनोवो ने इस स्मार्टफोन की प्राइस बहुत ही एग्रेसिव रखी है। इस फोन की स्टार्टिंग प्राइस है 3499 युआन, यानी कि करीबन 37,000 रुपीज की प्राइस पर ये गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। मुझे इस स्मार्टफोन की प्राइस बहुत ही अच्छी लगी है। आपको इस स्मार्टफोन की प्राइस कैसी लगी, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, मीडियाटेक ने अपना नया 5G प्रोसेसर अनाउंस कर दिया है, जिसका नाम है मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 5G। और ये प्रोसेसर मिड रेंज स्मार्टफोन्स के लिए होने वाला है। और इस प्रोसेसर में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलने वाला है एंड 64 मेगापिक्सल का भी सपोर्ट मिलने वाला है। और ये प्रोसेसर के साथ हमें बहुत सारे मिड रेंज 5G स्मार्टफोन्स दिखने को मिलने वाले है। दोस्तों, Redmi 9 अब इंडिया में फाइनली लॉन्च होने वाला है, क्योंकि Amazon पर Redmi 9 का टीजर आ चुका है, जहां से ये कंफर्म हो जाता है कि Redmi 9 इंडिया में सून लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप लोग Redmi 9 के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 5G को लॉन्च कर दिया है। और यह स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन A65 प्लस का प्रोसेसर मिलता है। इस स्मार्टफोन में बाकी सब स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप जैसे ही दिखने को मिलते हैं। और इस स्मार्टफोन की प्राइस $70 ज्यादा है सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप के कम्पेयर में। और इस फोन की प्राइस है $1,449। और इस फोन में हमें नया कलर ऑप्शन दिखने को मिलता है, जिसका नाम है ब्रॉन्ज कलर। दोस्तों, ओनर ने आज ये कंफर्म किया है कि वो लोग अपना नया स्मार्टफोन ओनर 9A 31 जुलाई को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। ये इनका बजट स्मार्टफोन होने वाला है, जहां पर 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। और ओनर ने कहा है कि इस स्मार्टफोन में गूगल की सारी सर्विसेज भी मिलने वाली है। तो दोस्तों, Asus ने अपना नया गेमिंग स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है Asus ROG Phone 3। और यह स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन A65 प्लस का प्रोसेसर मिलता है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी मिलती है। और इस स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइस है 49,999 रुपीज। और काफी सारे लोग कह रहे हैं कि यह स्मार्टफोन ओवर प्राइज्ड है, पर इसे हम ओवर प्राइज नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबल लेवल के स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, iQOO U1 कुछ ही दिन पहले चाइना में लॉन्च हुआ था, और अब iQOO U1 का 5G वेरिएंट भी iQOO सून लॉन्च करने वाला है, क्योंकि iQOO U1 5G को मिल चुका है 10A का सर्टिफिकेशन, जहां से ये कंफर्म हो जाता है कि इस स्मार्टफोन में हमें ट्रिपल रियर कैमरास मिलने वाले है, 4400 mAh की बैटरी भी मिलने वाली है। और ये स्मार्टफोन iQOO सून चाइना में लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों, आज की आखिरी न्यूज है ब्लैक शार्क की तरफ से। तो ब्लैक शार्क के CEO ने टीज करना शुरू कर दिया है कि वो लोग अपना नया गेमिंग स्मार्टफोन ब्लैक शार्क 3A सून लॉन्च करने वाले हैं। और उन्होंने ये कहा है कि इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन A65 प्लस का ही प्रोसेसर मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।